गया, क्या लॉजिकल बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। पहले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब गोदी मीडिया रूलिंग पार्टी की जूतियां साफ करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, और जब रूलिंग पार्टी बैग घेर डालती है तो कितना तिल मिलाते हैं गोदी चाटुकार, ये जरूर देखें। कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मुझे, मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए एक साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं, आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपकी, आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता कि आप। अगला क्लिप भी सुशांत सिन्हा का है, जब नरेंद्र मोदी ने किसान विरोधी बिल्स को वापस लेने का ऐलान किया तो कैसे अंधभक्तों से ज्यादा इन सभी गोदी एंकर्स को दर्द हुआ। एक चुनाव पर, या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। आपका जिस दिन मनाया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे, और उनका क्या जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे। हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देख करके, किसान का फायदा होगा इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे, हमारे लिए आपने क्या किया, शून्य कर दिया, जीरो। अगले क्लिप्स में हम देखेंगे कि गोदी मीडिया अपनी चाटुकारिता का उदाहरण कितने बेहतरीन तरीके से देते हैं। रूलिंग पार्टी की तारीफें करना एक पत्रकार का काम नहीं होता, पर ये चीज गोदी मीडिया कभी नहीं समझ सकती। धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। अब आप सुपर सीएम, और लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के जो जूते हैं वो आपके पांव में छोटे पड़ रहे हैं। लगा कि सीएम योगी कहीं 2022 के बाद पीएम योगी के तौर पर न दिखे। अगला क्लिप भी इसी विषय पर है, जहां गोदी मीडिया के सारे चैनल एक ही स्क्रिप्ट लिखवाकर बीजेपी के गुणगान करते हैं। आप ये क्लिप देखें और हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि क्या आप अपने पास बटुआ रखते हैं या लेडीज पर्स। लोगों के दिमाग को सही काम कर लो, मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही जो धर्म योगी है, कर्म योगी, जो कर्म योगी है, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी है, बहुत उपयोगी, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा है। बाबा बाबा बाबा, ये गोदी मीडिया के चैनल आप सबको अपने इंटरव्यू के दौरान यकीन दिला देंगे कि बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ ना तो सोते हैं और वो बेशक आसमान से उतरे हुए एंजल हैं जो हम सबको चरम सुख देने के लिए प्रकट हुए हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कोरोना काल के दौरान कैसे हम सबके प्रियजनों की लाशें नदियों में बह रही थी। कर रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है, आपके कॉन्फिडेंस मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स अ री एनर्जाइज कॉन्फिडेंस, जिसे मैं कह सकता हूँ अंग्रेजी में, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इट्स अ री एनर्जाइज योगी आदित्यनाथ। नहीं देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराने लगे, तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। अरे अरे भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप। अगर आप इन गोदी मीडिया का सच देखना चाहते हैं तो गुल्लू का क्लिप सर्च करके देखें, जहां वो आज की न्यूज को एक सिंक्रोनाइज्ड मूवी बता रहा है। आप सबको समझना पड़ेगा कि पैसे लेकर जो लोग न्यूज दिखाते हैं वो कभी आपको सच नहीं दिखा सकते। अगर बीजेपी के नेता इतने सच्चे हों तो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों से क्यों डरते हैं। लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे काम आपने गिनाए। काम आप एक के बाद एक गिराते हैं, आपको चुप करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक के बाद एक लय में बोलते चले जाते हैं। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूं कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा। अभी तो देखते जाइए, जैसे एक भक्त अपनी भक्ति में लीन रहते हुए श्री प्रभु राम जी का नाम जपते हैं, वैसे ही हमारे गोदी मीडिया के एंकर्स बीजेपी और उनके नेता का नाम सोते जागते जपते रहते हैं।
कि कहीं आम जनता इनके झूठ के नशे के इंजेक्शन से जाग ना जाए। खुश है एकदम, मथुरा काशी अयोध्या ये जाकर योगी जी खुश रहते हैं, मुस्कुराते देखते हैं। अयोध्या की बात जैसे ही करते हैं आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ। आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। तो राम लला हम आएंगे के बाद अब कृष्ण लला हम आएंगे। क्या मथुरा भी अयोध्या की तरह कोई ऐतिहासिक भूल थी? अगली कार सेवा कब शुरू हो रही है सर? कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाने का संकल्प, क्या इस वादे को संकल्प पत्र में जगह मिलेगी? स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएगा। इलेक्शन का एजेंडा उन्होंने स्वयं सेट कर दिया है। चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है, 14, 17, 19। इसमें 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला। तो ये 20 मुसलमानों के लिए? देखिए आप जो समझे। हमें गर्व है जहां हमारे देश में तिहाड़ी गुल्लू और अंजना जैसे गोदी चाटुकार हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे निष्पक्ष पत्रकार भी हैं जो बिना किसी नमक मिर्ची लगाए, बिना किसी पार्टी की तारीफ करे आपको सिर्फ सच दिखाते हैं। सलाम है रवीश कुमार, अभिसर शर्मा और साक्षी जोशी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, जिनकी वजह से कुछ लोगों का जमीर जिंदा है। करण करा रहे हैं यूपी में 15 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन पर निर्भर क्यों? इसका जवाब आप खोजेंगे तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा, क्यों यूपी में राजनीति में धर्म का नशा छाया हुआ है। ये सब जानते हैं, सब यही कह रहे हैं भैया काशी में जो हुआ है उसका असर बहुत होने वाला है, बहुत असर हो जाएगा। ये काशी में जो नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगा दी है प्रधानमंत्री ने, ये हमें ना डुबा दे। क्या भगवे से इतना डर गया है विपक्ष? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सिर्फ आम तस्वीर नहीं, यह तस्वीर 2017 की है। यूपी ये हमेशा से नैरेटिव बनाया जाता है कि सरकार मंदिर बना रही है, मंदिर बना रही है, मंदिरों से पेट नहीं भरता। मैं एक सवाल बीच में नहीं बोलेंगे आप। आस्था का अर्थशास्त्र जानते हैं आप? पूरे देश में मंदिर की इकोनॉमी जानते कितनी है शोएब? इसलिए योगी मोदी को टारगेट करो, शायद मुस्लिम वोट टूट कर इनकी झोली में आ जाए। हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट? जहर कहां से आया आप जानते हैं। सवाल वही है कि क्या हम रोजगार को लेकर बात कर सकते हैं या धर्म के नाम पर ही राजनीति होती रहेगी। कुल मिलाकर राम के बाद अब श्री कृष्ण पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या काशी हमारी है और आप मथुरा की बारी है, मथुरा की तैयारी है। तो जैसे अयोध्या में दर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, मथुरा में भी जाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब आपको 20 साल बाद मिलेगा जब आपके सपनों के टेंट और तंबू उखड़ चुके हैं। बड़ा सवाल तो यही, राधे राधे जब, वरना बिजली कट, 24 घंटे बिजली पाना है तो राधे राधे जपना होगा। इस हेडलाइन को खोजो, सपने में खोजो या यूपी में खोजो, बट गाइस फ्रॉम यूपी लेट्स सर्च फॉर इट नाउ, स्पीक इन इंग्लिश। हिंदू फोबिया है, हिंदू फोबिया। तो क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? हिंदू फोबिया फैलाने का प्लान है क्या? प्लान हिंदू फोबिया। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय निचले पायदान पर हो, जिस राज्य के BAMA पास युवा 500 रुपए के लिए श्रमिक कार्ड बनवा रहे हो, उस राज्य के नौजवानों के ख्वाब क्या हैं? नेताओं को ठीक से मालूम है। क्या खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी? खुले में नमाज सहन नहीं की जाएगी। अगले क्लिप में हम देखेंगे लेट कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी जो संबित पात्रा की बेहुदा हरकत पर इन सब की बेइज्जती करते हैं, वो देखने योग्य है। और ये बात नोट करें कि जितनी जल्दी अंजना जैसे पत्रकार अपनी बातों से पलट जाते हैं, कल को जब रूलिंग पार्टी चेंज होगी तो ये कैसे दूसरी पार्टी के गुणगान करने लगेंगे। कहा था पाकिस्तान को अब लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, 56 इंच सेना है मेरा। देखिए मोदी जी का इन्होंने अच्छा मिमिक्री किया। मिमिक्री नहीं किया, असलियत खोली है। भाई भाई, 56 इंच की सीना कहाँ है? कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं कहा अरे शिकंजी वाला तो कोका कोला बेचता है। शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? ये स्टूडियो वाला सत्याग्रह कब तक चलेगा? 6:45 तक। देखिए निश्चित रूप से जब तक आप शब्द वापस नहीं कराएंगे संबित पात्रा जी, जो अशोक मैं वापस कराइए। आजकल हर कोई टीवी स्टूडियो में आकर यही कहता है शब्द वापस कराइए। मैं यहाँ पर बैठकर कोई जज नहीं बनी हुई हूँ।
और डॉक्टर संपत पात्रा, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जाहिर तौर पर मैं ऑडियंस के बीच बैठी थी, आवाज मुझ तक नहीं आई थी, वरना हम कल ही इस पर कहते आपको कि आप माफी मांगिए। कल डिबेट में आपने खुद कहा कि आप सुन नहीं पाई क्या हो रहा था, जिस प्रकार का चिल्ला चोट वहाँ चल रहा था। मुझे कहना था जूते मारो गद्दारों को, मेरे मुँह से गलती से राहुल निकल गया। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की डिबेट का स्तर गिरते जा रहा है। वो गाना आपको याद होगा, मैं छोटा था बहुत, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.